सोलन प्रशासन की मौजूदगी में अर्की में परिवहन सहकारी सभाओं व अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी प्रबंधन के साथ सोमवार को हुई मीटिंग में अंबुजा पैटर्न लागू करने पर सहमति बनाई गई। मंगलवार को यहां परिधि गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारसी सभा के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह चौथी मीटिंग थी जिसमें सीमेंट कंपनी और परिवहन सहकारी सभाओं के मध्य चल रहा गतिरोध सोलन प्रशासन की मध्यस्थता में खत्म हो पाया है, जिसके लिए वह सोलन व बिलासपुर जिलों के प्रशासन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि अर्की में हुई मीटिंग में DC, ADM, SDM अर्की, कंपनी के यूनिट हेड, लॉजिस्टिक हेड, प्रशासनिक हेड और खारसी सभा व कोहिनूर परिवहन सभा के अलावा मांगल लैंड लूजर परिवहन सभा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। अब परिवहन सभाओं ने भी हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है और मंगलवार से ट्रक ऑपरेटर काम पर लौट आए हैं। दरअसल 2011 के समझौते के तहत अल्ट्राटेक कंपनी में अंबुजा पैटर्न लागू करने को लेकर सहमति बन गई थी। ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं के समाधान को लेकर अर्की SDM की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। अंबुजा पैटर्न लागू करने के बाद ट्रक ऑपरेटरों को प्रति चक्कर किराए में अतिरिक्त लाभ होगा। 24 तारीख से हमारे जो ट्रक अल्ट्राटेक में खड़े थे वो पिछले कल ही DC सोलन की अध्यक्षता में अर्की SDM ऑफिस में ये वार्ता हमारी अल्ट्राटेक मैनेजमेंट से हुई और हमारे ट्रक खड़े होने से हमें दोनों जिलों के ट्रक ऑपरेटरों को प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन हमारा जो समझौता है वो अंबुजा पैटर्न को ही लेकर के हुआ है और केवल अब बढ़ा हुआ लोड जो भारत सरकार द्वारा एक्सल लोड बढ़ाया गया था 25% की वृद्धि भार लोड में हुई थी, सो उसके मुताबिक सिर्फ 2 टन पे 5% का हमें उन्हें छूट देने का बैठक में निर्णय लिया। नुकसान हमारे ट्रक ऑपरेटरों का बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसकी भरपाई बहुत जल्दी हमारी हो जाएगी और हम तमाम दोनों जिलों के ट्रक ऑपरेटरों ने ऑपरेटर हित के लिए पूंजीपतियों की लूट से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तमाम ट्रक ऑपरेटरों की ये जीत हुई है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।